दोस्तों, आज हम जानते हैं ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कौन थे। दोस्तों, ठग्स सब सुनकर हमारे दिमाग में अक्सर चोर, डकैत, लुटेरे, खून करने वाले इत्यादि आता है, लेकिन सच कुछ और है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भारत में एक आदिवासी जाति घने जंगलों में रहती थी और काली माँ की पूजा करती थी। उनका नाम ठग था। ये कोई चोर, लुटेरे, डकैत, डाकू नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि जब भारत पर अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना शुरू किया था, तो ये ठग ही थे जिन्होंने अंग्रेजों का पूरी ताकत के साथ विरोध किया था। क्योंकि अंग्रेज अपना साम्राज्यवाद बढ़ाने के लिए जंगलों को ख़त्म कर रहे थे, जिसमें ठग की पीढ़ियाँ पल रही थी। ये आप जानते ही हैं कि अगर कोई किसी के घर को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो प्रतिरोध उत्पन्न तो होना सामान्य बात है। अंग्रेज़ ठगों की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक चाल चली और इनकी छवि खराब करने के लिए ऐसी किताबें छापी जिनमें उन्हें डकैत, लुटेरे और हत्यारा बताया गया था। यानी अंग्रेज़ों ने साहित्य, मतलब किताबों के माध्यम से ठगों की बुरी छवि प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी। इस तरह के साहित्य को एट्रोसिटी लिटरेचर कहते हैं। इन्हीं किताबों में से एक किताब का नाम है कन्फेशन ऑफ ए ठग, जिसे 1839 में फिलिप मेडोज टेलर ने लिखा था, जिसमें ठग्स को कुख्यात लुटेरा, हत्यारा और डकैत बताया गया है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सांसद ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया, जिसके तहत भारत की कुछ चिन्हित आदिवासी जनजातियों को सामूहिक रूप से मारने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया गया। इन जनजातियों को अपराधी घोषित करते हुए प्रत्येक सदस्य को, यहां तक कि नवजात शिशुओं को, अपराधी के रूप में घोषित किया गया था। इसी एक्ट के तहत ठग के अलावा कई आदिवासी जनजातियों पर जमकर जुल्म उठाए गए। है ना हैरान करने वाली बात। बड़े पैमाने पर इनकी सामूहिक हत्या की गई। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये आदिवासी अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और अंग्रेजों की नज़र में अपराधी थे। इसलिए इन जनजातियों को ख़त्म करने के लिए मनमाने कानून बनाए और भारत पर कब्जा करने की मंशा को पूरा किया। अपनी चालों को सही साबित करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे विश्वविद्यालयों को फंड दिया ताकि वे कुछ ऐसी किताबों को लिख सकें जिसमें ठगों की गलत छवि को प्रकट किया जा सके। यानी इस सामूहिक हत्याओं को सही साबित करने के लिए ब्रिटिश सांसद ने कई लेखकों को आर्थिक सहयोग दिया ताकि वे ठगों के खिलाफ किताबों को लिख सके, उनको बदनाम कर सके, ताकि समाज इन लोगों को कभी अपना ही ना सके। इसी कारण से आज ठगों की छवि दुनिया के सामने गलत बन चुकी है। इन्हें हिंसा और अपराध के साथ ही जोड़कर देखा जाता है, जबकि इतिहास को अगर खंगाला जाए तो सच्चाई कुछ और ही सामने आएगी। अब तो आप जान ही गए होंगे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कौन थे और कैसे अंग्रेजों ने इन्हें बदनाम किया था। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।